दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 716 मामले मिले, जो 2021 में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिल्ली में कोरोना वायरस के 700 से ज्यादा मरीज 27 दिसंबर को मिले थे, तब राजधानी में 757 मामले सामने आए थे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और ये संख्या 100 तक नीचे आने के बाद लगातार बढ़ना शुरू हो गई। 18 मार्च को दिल्ली में 609 मरीज मिले थे। इसके साथ ही दिल्ली में नए केस मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 6,46,000 से ज्यादा हो गई। वही 6,32,230 लोग इससे ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब तक 10,953 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस 3,165 है। 24 घंटे में 771 रिकवर हुए और 4 की मौत। इधर दिल्ली से सटे दो शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। पहले गाजियाबाद और अब नोएडा में प्रतिबंध लगा है। गाजियाबाद में बीते बुधवार को धारा 144 लागू की गई थी। वहीं गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।